हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हो एंड उस पर बहुत ही आसान तरीके से वीडियो को ऐड करके रख सकते हो। आप ये जान लो कि पहले प्लेलिस्ट करने से क्या फ़ायदा है। दोस्तों, जब भी आपका कोई सब्सक्राइबर या कोई भी व्यूअर आपके यूट्यूब चैनल में आएंगे एंड आपके चैनल को वॉच करेंगे, तो जब आपके प्लेलिस्ट में जाके वो चेक करेंगे तो आपका वीडियो जिस टाइप से होगा, मतलब कैटेगरी होता है जिसे आप यूट्यूब के अपडेट के बारे में बता रहे हो, तो वो एक जगह में आप सेव कर लियो, ठीक है, प्लेलिस्ट उसका बना लियो। यूट्यूब टिप्स के बारे में बताओ तो वो यूट्यूब टिप्स जो है उसका एक फाइल बना लियो, ठीक है। Q&A वीडियो बनाते हो तो उसका एक फाइल बना लियो। रिव्यू वीडियो बनाते हो तो उसका एक फाइल बना लियो, मतलब प्लेलिस्ट सारा का सारा बना लियो। एंड आपको उसमें क्या करना है, सबको सेव करना है लाइनिंग से, कि जो जिसका कैटेगरी है उसको उसी में ऐड कर दिया जाए। उससे क्या प्रॉफिट होगा दोस्तों, जब आपके व्यूअर आएंगे, ठीक है, या फिर आपके सब्सक्राइबर देखेंगे आपके वीडियो, तो प्लेलिस्ट में जब जाएंगे वो चेक करेंगे तो जिस टॉपिक पे वीडियो उसको देखने में इंटरेस्ट होगा वो देखेंगे, अब उसी टाइप से रिलेटेड वीडियो उनका प्ले होते जाएगा, तो क्या होगा, वैसे वो सारा वीडियो आपका वॉच करेंगे। और इससे क्या फ़ायदा हो दोस्तों, कि आपका वॉच टाइम काउंट बढ़ेगा, आपका वॉच टाइम बढ़ने से आपके यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट क्रिएट करना ज़रूरी है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा दोस्तों, तो आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से मैं समझाने का कोशिश करूँगा कि प्लेलिस्ट किस तरह से बनाया जाता है एंड उसमें किस तरह से ऐड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो के स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरा नाम जान ले, मेरा नाम है प्रद्युमन कुमार गोसाई और आप देख रहे हैं अपने भाई का चैनल प्रद्युमन टेक YT चैनल। तो दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ इस चैनल में आप न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर ले दोस्तों। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट क्रिएट करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको अपने यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेना है, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं बताने वाला हूँ कि क्रोम ब्राउज़र पे जाके कीजिए या फिर यहाँ पे जाके कीजिए, मैं सिंपल सा ट्रिक बताने वाला हूँ, वही चीज़ आपको करना है, सेम प्रोसेस करना है, आप तुरंत से ही प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली आप अपने यूट्यूब चैनल को ओपन करने के बाद दोस्तों, आप सिंपली आपको यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में लाइब्रेरी शो हो रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे देख लेना, देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी शो हो रहा है नीचे पे, सिंपली लाइब्रेरी पे क्लिक कर लेना है। अब लाइब्रेरी पे जैसे ही क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यू प्लेलिस्ट, यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है न्यू प्लेलिस्ट पे, और ऊपर में देख सकते हैं नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, सिंपल सा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे इस तरह से क्लिक कर लेना एंड आपका वीडियो का टाइटल आप जो भी रखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम अभी कुछ भी रख देते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप रखना चाहते हैं ये रख के, और आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेट ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके इसको पब्लिक कर देना है। पब्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट वाला ऑप्शन आ रहा है, सिंपली क्रिएट पे इस तरह से क्लिक कर देना एंड आपका देख सकते हैं यहाँ पे प्लेलिस्ट बन चुका है। तो आपको अब क्या करना है, आपको सिंपल सा अपना YT स्टूडियो को ओपन करना है। YT स्टूडियो जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपका प्लेलिस्ट बन चुका है, मैं अभी दिखा देता हूँ। अब उसके बाद ऐड कैसे किया जाएगा वो भी मैं आप सभी को दिखा दूँगा, ठीक है। तो सिंपली कॉन्टेंट पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा काफ़ी सारा पहले से बना हुआ है प्लेलिस्ट। तो सिंपली अभी जो बना है वो ये है, ठीक है, और इसमें एक भी वीडियो ऐड नहीं है। तो अब हम मेरे को इसमें ऐड करना, सिंपल से क्या करना है, मेरा सारा वीडियो इसमें अभी फ़िलहाल ऐड है ना, तो अभी अगर आप कभी भी ऐड करना हो सिंपल से यहाँ पर क्लिक करना है वीडियो में यहाँ, ठीक है। वीडियो में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर में देख सकते हैं पेंसिल वाले आइकन शो होता है, सिंपल सा पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे प्लेलिस्ट यहाँ पे शो होता है, ठीक है, प्लेलिस्ट यहाँ पे शो होता है, सिंपल सा प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लेना एंड आपका जो भी प्लेलिस्ट में रखने का मन होगा वीडियो को, उस प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करके रख देना है। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल में न्यू आए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि और भी आपके भाई या जो भी है उनको पता चल सके कि किस तरह से क्रिएट किया जाता है। नहीं तो दोस्तों यहाँ पे मेरा 3 वीडियो शो हो रहा होगा, अगर इस टाइप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपका तो इस वीडियो को क्लिक कर लीजिए, आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। नहीं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आ जाइए दोस्तों एंड जो भी प्रॉब्लम है हमें बताइए। एंड एक और बात आपको याद रखना दोस्तों, हमें फीडबैक जरूर दें, इससे क्या होगा दोस्तों कि आप ही का फ़ायदा होगा, हमारे नज़र में रहेंगे। आपको सिंपल से क्या करना है कि वीडियो देखें, वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है दोस्तों, इससे हमें पता चल सकता है कि मैंने वीडियो में जो मेहनत किया है वो अगला आदमी को पसंद आया या नहीं आया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो में कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।